नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले न्यूज स्टेट पर पार समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, राज्य की विकास योजनाओं की रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी पीएम से चर्चा करेंगे। और प्रदेश में कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी मंथन किया जाएगा, विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा। पीएम वर्चुअली विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। तो दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कल प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। इसके अलावा आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर भी मंथन किया जाएगा, विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और वर्चुअली सभी विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उनको जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए। और सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान 3 अप्रैल को सीएम पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम से प्रदेश की योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम धामी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। 3 अप्रैल को पीएम मोदी से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। उस दौरान विकास योजनाओं को लेकर पीएम से चर्चा करेंगे, साथ ही चार धाम यात्रा का पीएम को आमंत्रण देंगे। प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी बातचीत होगी। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी हिस्सा लेंगे। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज़ 8।